बैठ जाओ आसिम शकूर जी। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब में एक पेज है, ये आपके पास ऑब्वियसली भी नहीं होगा। आपको याद है डिस्कशन हुई थी कि अगर बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को, कोई भी एंट्री गलत करने को, कोई भी और चीज़ गलत करने को कहे, तो बॉस इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहा होता है, और सबॉर्डिनेट को बॉस का बॉस होने की वजह से दिल में थ्रेट होता है। लेकिन अगर बॉस साथ कोई तोहफा भी दे उस गलत काम करने पे, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी होता है। आई रिपीट, बॉस अगर एम्प्लॉय को कोई गलत काम करने को कहे, तो बॉस इज वायलेटिंग इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, एंड एम्प्लॉई इज फेसिंग खतरा ऑफ इंटीमिडिएशन। और अगर बॉस कोई साथ तोहफा भी दे दे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी। ओके, क्वेश्चन वन, पेज 476, आपके नोट्स में भी है ये क्वेश्चन। किसी को सफा ना मिला हो तो बता दे ये वाला। आमिर अली एसीए, आमिर अली एसीए इज सीएफओ एट सर्कल लिमिटेड। And reports to Junaid FCA, who is CEO. अच्छा, तो कहानी कुछ ऐसी है कि आमिर ने ताज़ा CA किया और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, और जुनेद को सीए किए हुए कई साल गुजर गए हैं। नहीं, 10 साल बाद तो नहीं, जो सीए प्रैक्टिसिंग हो वो तो 5 साल बाद भी एफसीए बन जाता है। अच्छा, तो इधर आ जाएं, फर्स्ट और सेकंड रो में जगह। अच्छा, तो तो आमिर साहब जो है सीए करते हुए नहीं, सीए करने के बाद 5 या 10 साल। अच्छा, चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ें, भाई भी तशरीफ ले आए हैं। चलो यार, मुझे पढ़ाना शुरू कर लेने। तो आमिर सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो छोटा सीए है, जुनेद उसका माई बाप है, जुनेद एफसीए है, वो सीईओ है। चलें, अब चुप करके जरा मुझे पढ़ने दें। आमिर अली जो कि छोटा सीए है, सर्कल में घूमता रहता है और जुनेद को रिपोर्ट करता है जो कि इसका बाप है, मतलब रिश्तेदार नहीं है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ सीएल एंड्स ऑन 30 अप्रैल, ईयर एंड 30 अप्रैल को आने लगा है। थोड़ा सा ना अटेंटिव रहिएगा, सीईओ कुछ करेगा अभी। बैठे रहिएगा, आपने टेंशन ही लेनी। एंड 30 अप्रैल का साल खत्म होने वाला है, एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 जनवरी 2019 वॉज बिलो टारगेट। 31 जनवरी 2019 को 9 मंथ्स एंड हुए होंगे ना, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल, अभी 3 महीने साल एंड होने में रहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो साल खत्म होने से पहले ही अपना प्रॉफिट निकाल लें। तो इफ माई ईयर एंड इज 30 अप्रैल, तो अगर मैं 31 जनवरी पर खड़ा हूं, तो कितने महीने साल के गुजर चुके हैं? 9। कितने रह गए हैं? तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 9 महीने का प्रॉफिट अलग से निकाल के रख लिया होगा, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत कम आया होगा। अच्छा, सीईओ ना कुछ करेगा भी। इन ए मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड इन फरवरी 2019, प्रॉफिट अभी 31 जनवरी 2019 9 मंथ्स का कम आया है, लेकिन हमारा साल तो ऑब्वियसली 12 महीने का होगा, जो कब एंड होगा? 30 अप्रैल 2019। फरवरी में एक मीटिंग हो रही थी,
सीईओ कुछ करेगा। जुनेद, ए कौन है? हाँ, देखा कर दिया उसने कुछ। जुनेद हैज प्रपोज्ड, जुनेद ने एक मशवरा दिया है सीईओ ने, द फॉलोइंग मेजर्स टू इंप्रूव द रिजल्ट। कहते हैं मेरे से मशवरे लो, मैं बताता हूं कैसे जो है वो आपके प्रॉफिट आसमानों पे जाएंगे। कहते हैं पहला मशवरा, कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विच इज ड्यू ऑन मार्च 19। कहते हैं प्लांट की मेंटेनेंस ड्यू है साल खत्म होने से पहले, यानी प्लांट की मेंटेनेंस तो करोड़ों रुपए की होती है, प्लांट की मेंटेनेंस ड्यू है मार्च 19 में, शुड बी डेफर्ड टू मे। कहते हैं मार्च में प्लांट की मेंटेनेंस ड्यू है, प्लांट से वाजें वूजें सुने आ रही हैं, तो मार्च में प्लांट को मेंटेनेंस करवानी है। मेरा मशवरा है कि ये खर्चा ना डिले कर दो, ये खर्चा ना डिले कर दो। एक बात याद रखिएगा, कॉलेज वालों को पता चल जाए कि प्रोजेक्टर खराब हो गए हैं, सीलिंग के अंदर कोई मसला है, और कोई मसले आ रहे हैं, तो कॉलेज वाले कहें कोई नहीं यार निकलने दो, बड़ी ईद तक काम ना ऐसे ही चला लो, किसी तरह बड़ी ईद तक काम ऐसे ही चला लो। अब इट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान होगा। सिमिलरली प्लांट में अगर मसला है और मार्च में सही करना चाहिए, तो उसको अगर आप डिले करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। और आपने अक्सर सुना है चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो उसे ज़्यादा ख़राब होने दें तो ज़्यादा खर्चा करवाती है, और शुरू में सही करवा लें तो मसला हल हो जाता है। तो उसने कहा कि प्लांट को रिपेयर को डेफर कर दो। प्रोडक्शन मैनेजर, ये तीसरा बंदा बोला है, उसने सीए नहीं किया हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर है ये कोई। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा सीईओ बस, इसके बाद ना बोली, मैं तो ये वार्निंग दे रहा हूं दैट डेफरल मे अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ प्लांट। इसे प्लांट की से एकदम तू आएगा फस धमाका बज जाएगा, और वो मार्च में ही धमाका बजना है। तो कहते हैं ध्यान रखी कि मसला होने वाले प्लांट को। हाउएवर जुनेद वाज ऑफ द व्यू, जुनेद कहता है चल ना सर, दैट मेंटेनेंस वाज डिलेड 2 ईयर्स अगो। मुझे याद है पिछले 2 साल पहले, याद नहीं 2017 में इसी तरह मेंटेनेंस हमने डिले की थी। क्या हो गया था? कोई बम फट गया था? कुछ भी नहीं हुआ था। पिछले साल भी सीलिंग जो है उसमें से पानी निकला था, बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ था, बस एक दो बच्चों के ऊपर जो है वो पानी पुने के टकतरे गिर गए थे। क्या हो गया था इससे? जा यार जा। और भाई नहीं, और भी कुछ हो सकता है, पूरी भी गिर सकती है। और ना आया, चल। तो इस तरह की बातें करके उसने रवाना कर दिया। डन, पहली बात मेरी खत्म होगी। दूसरी बात, अभी जुनेद के जरा मशवरे सुनते रहे प्रॉफिट बढ़ाने के। दूसरा मशवरा, कोई काम का काम ना खरीद, प्रॉफिट बढ़ाने के मशवरे सुने। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू रिवेल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की नई रिवेल्यूएशन हुई है। कहते हैं इस रिवेल्यूएशन को भी डेफर कर दो अगले साल पे, रिवेल्यूएशन को डेफर कर दो अगले साल पे। एज द इंक्रीज इन वैल्यूएशन इज सब्सटेंशियल, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन वैल्यू का बढ़ना ओसीआई में जाता है, आउटसाइड पीएनएल। वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से वो बड़ी हुई वैल्यू पीएनएल के अंदर आके ज्यादा अंडे देगी, डेप्रिसिएशन देगी। जहरी बात है, वैल्यू बढ़ेगी तो पीएनएल के अंदर आके डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, और पीएनएल से पहली एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और सरप्लस सिर्फ वर्किंग वन नहीं हो यार, कंसोलिड एसेट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन ओसीआई। तो मैंने क्या बोला है? वर्किंग वन नहीं बोला मैंने, मैं ये कहे वर्किंग वन में नहीं डालना, कंसोलिडेशन नहीं हो रही। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, सरप्लस ओसीआई में बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ जब एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन पीएनएल के अंदर आके बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो कहते हैं आमिर, ये कौन है? अच्छा, ये छोटा सी है। आमिर हैड इनिशिएटेड द रिवेल्यूशन, आमिर ने रिवेल्यूशन करवाई थी। सिंस द फेयर वैल्यूज हैड इंक्रीज मटीरियली, क्योंकि फेयर वैल्यूज बहुत ज्यादा चीजों की हमारी बढ़ गई हैं। IS 16 और IS 38 कहते हैं रिवेल्यूशन इतनी फ्रीक्वेंटली कराओ कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंट ना आ जाए। तो इसलिए ये रिवेल्यूशन कराना एज पर स्टैंडर्ड है, और बॉस का रिवेल्यूशन को रुकवाना एज पर उसका दिमागी कीड़ा है। तो ड्यूरिंग द ईयर सिंस फेयर वैल्यूज हैज इंक्रीज मटीरियली, जुनेद इज ऑफ द व्यू, ये कौन है? अच्छा वही जिसका कीड़ा जिसमें। जुनेद इज ऑफ द व्यू दैट बिल्डिंग्स वर रीवैल्यू लास्ट ईयर, जुनेद का ख्याल है कि बिल्डिंग्स पिछले साल भी क्या हुई थी? रीवैल्यू हुई थी। सो देयर इज नो नीड ऑफ सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन। हर साल तू आया होता है रीवैल्यू कर दो, रीवैल्यू कर दो, रीवैल्यू कर दो, चाह मेरे चल निकल जा मेरे कमरे से। तो ये दो काम इसने कहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर को इसने झंडी करा दी है, भाईजन सीईओ है ना, अब क्या करें, सारे चुप हैं इसके आगे। सीईओ है, इसने प्रोडक्शन मैनेजर को ये कह के झंडी करा दी है कि प्लांट रिपेयर मत करवाओ, रिपेयर करवाना छोड़ भी दिया तो कितना नुकसान हो जाएगा। और दूसरा इसने ये कहा है कि
कि भाईजन रिवैल्यूएशन को डिले कर दो क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, हालांकि रिवैल्यूएशन इतनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस ना आए। ड्यू टू द खर दिमाग नेचर ऑफ जुनेद, जुनेद की नेचर बड़ी अजीब है, कहता है किसी का उसके सामने बोलने को दिल नहीं चाहता, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ना प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा कौन है, ना जुनेद, नहीं जुनेद नहीं आमिर, ना आमिर अपोज हिज व्यू, कोई उसके सामने बोला नहीं, यानी दिल्ली दिल में उसको नहीं गालियां तो ना बोलो दे रहे थे। दिस समरी टू इम्प्लीमेंट द अबव एक्शन हैज बीन रिसीव्ड बाय आमिर। और जैसे ही आमिर अपने रूम में पहुंचा उसको एक समरी सी आ गई कि भाई जान ये जो दो बातें मैंने कही है ना इनको इनकॉर्पोरेट कराओ, यानी प्लांट के सर पे तूने खड़े रहना है और मार्च में कोई मेंटेनेंस करने भी आए तो उसे फैक्ट्री से निकाल देना है, और जो तूने रिवैल्यूएशन कराई है ताज़ा ताज़ा उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दे। अच्छा आमिर की एक कोई बात बता रहा है वो आपको, वैसे ही आमिर ने ना अभी ताज़ा ताज़ा ना गाड़ी लेने का दिल चाह रहा है इसका, ये शतुंगड़ा छोटा आमिर का ना गाड़ी लेने को दिल चाह रहा है, तो उसने ना इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर से मांगा हुआ है, टैक्स पड़ा हुआ है माशाल्लाह आप लोगों ने, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से लोन तो मांगता ही रहता है। तो आमिर हैज रिसेंटली अप्लाइड फॉर इंटरेस्ट फ्री कार लोन फ्रॉम CL ऑर्गेनाइजेशन से उसने लोन मांगा हुआ है सर्कल लिमिटेड से, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड इन फ्यू डेज, और चंद दिन में ये इसकी अप्रूवल भी होने वाली है, और अप्रूवल ऑब्वियसली CEO के हाथ में होगी। तो अब आप मुझे बता दें बॉस कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, अमानतदार नहीं है, न्यूट्रल रह के क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि वो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे ना के प्रॉपर अकाउंटिंग होने दे और प्रॉपर मेंटेनेंस होने दे, और तीसरा प्रोफेशनल बिहेवियर, ऐसा एक्शन कर रहे जिससे प्रोफेशन के नाम पर क्या आएगी, आंच आएगी, और जो एम्प्लॉई है जो कि ये हमारा बॉस का एम्प्लॉई है इसमें इंटीमिडिएशन थ्रेट तो बाय डिफॉल्ट होगा, और इस इंटीमिडिएशन थ्रेट की इंटेंसिटी इसलिए बढ़ जाएगी कि उसकी नेचर डोमिनेंट है, लेकिन अगर नेचर ना भी डोमिनेंट हो तो टीचर का टीचर होना चाहे सॉफ्ट ही हो, बच्चे के दिल में डर होता है, बॉस का बॉस होना चाहे सख्त तबीयत का ना भी हो तो लोग उसे डर रहे होते हैं, इंटीमिडिएशन थ्रेट, और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आखिरी लाइन की वजह से, अगर आखिरी लाइन ना होती तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ना होता। क्वेश्चन नंबर 3, मजा आने लग गया तो खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए भाई, F1 की क्लास सर उमेर की, वो मेरे ख्याल से उसमें क्या सर ने अनाउंस किया था, YouTube पे अपलोड होगी मेरे ख्याल से कोई, अच्छा उमर से बंदा है प्यार से, उमेर शेख SCA इज अ मैनेजर, शेख भी है CA भी है उमर शेख SCA ओके, क्या मतलब शेख नहीं CA कर सकते, खड़े हो जाओ उमर शेख SCA इज अ मैनेजर फाइनेंस एट चार्मिंग लिमिटेड, लो जी इसकी कसर आ गई थी चार्मिंग लिमिटेड एंड रिपोर्ट्स टू आबिद। अच्छा थोड़ी देर बाद ना आबिद कुछ करेगा, हमें फील नहीं करना Who is the CFO? अच्छा अब ये CFO है और ये मैनेजर है, तो पिछली मिसाल में CEO और CFO था, इधर CFO को बाप बना दिया और अकाउंट्स मैनेजर को इसने फाइनेंस मैनेजर को बेटा नहीं बना दिया एम्प्लॉय बना दिया। आबिद कौन, इसके दिमाग में कीड़ा है, आबिद इज ऑल्सो अ क्लोज रिलेटिव, एक होता है सेकेंड कजन एक होता है फर्स्ट, तो क्लोज रिलेटिव ऑफ द मेजर शेयर होल्डर ऑफ CL जो CFO है यानी बॉस, वो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर का रिश्तेदार है, इसकी वजह से इंटीमिडिएशन थ्रेट की इंटेंसिटी में बस इजाफा आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाता है थोड़ी सी बात हो अपने रिश्तेदारों तक पहुंच जाता है। CL कौन आ गया अब बीच में, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज निगोशिएटिंग एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अरेंजमेंट, हमें उधार की जरूरत है, ये USB बैंक कौन सा है, होगा कोई, ये पत्तों की में नया खुला है यूनियन स्टैंडर्ड बैंक जिसका नाम है, तो USB बैंक से हमने लोन लेना है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड बिजनेस इन फॉरन मार्केट्स,
द रेट कोटेड बाई यूएसबी इज कंपेरेटिवली हायर. वो कह रहे हैं मुझे 13-14% 15% इंटरेस्ट रेट पे मैं तुम्हें लोन दे देता हूं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन लोन लेना चाह रही है, बैंक जो है वो कह रहा है 14-15% के ऊपर मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. देन एग्जिस्टिंग रेट्स पेड बाय सीएल, सीएल ने इस वक्त पहले से भी कोई लोन लिए हुए हैं, उन लोन्स के रेट बड़े कम हैं, 8-10% होंगे. ड्यूरिंग अ मीटिंग विद एग्जेक्टिव, तीसरा बंदा आ गया है. अच्छा ठीक है, ये वो जो बैंक, बैंक किधर है? ये बैंक का ईवीपी है. ड्यूरिंग अ मीटिंग विद एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसबी वेयर उमर, ये छोटा, वेयर उमर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट. इसका मतलब है आबिद तो हो गई मीटिंग में, बॉस तो हो गई. तो कहानी से कुछ आप ऐसी बनी है कि बैंक पहुंच गए हैं दोनों, बंदे लेके नहीं, ये दोनों खुद बंदे हैं. तो बैंक पहुंच गए हैं दोनों, आबिद भी पहुंच गए और साथ उसका जो एम्प्लॉई उमर है वो भी पहुंचा हुआ है, और एग्जेक्टिव वाइस प्रेजिडेंट का नाम इसने हिडन रखा है सवाल में, इसका नाम नहीं बताया. ड्यूरिंग अ मीटिंग विद ईवीपी वेयर उमर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, छोटा भी मौजूद है, बड़े ने कुछ बोला है जिसके दिमाग, आबिद, आबिद कुछ बोला है. आबिद ने कहा है मेरा बेटा, आबिद क्या मतलब मीटिंग बेटा लोन, और कहता है मेरी बात सुनो यार, चुप, मेरी बात सुन. मैंने कहा था आबिद कुछ करेगा, नहीं नहीं वो मैं बताऊंगा. आबिद आबिद रिवेल डैट, आबिद ने बताया है कि उसके बेटे ने घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ है. अच्छा, अब एकदम ये जो वो होगा ना उमर, उमर आबिद के चेहरे की तरफ देख रहा होगा, मेरे बेटे ने घर बनाने के लिए लोन, कान में आबिद के, सर वो हम मीटिंग के लिए आए थे तो हमने अपनी कंपनी के लिए लोन, चुप, कंपनी के लिए लोन लेना था. वो मेरे बेटा आया था जो तुंगड़ा रशीद, नहीं छोटा, वो उसने अप्लाई किया हुआ लोन के लिए तुम लोगों से, पिछले महीने आया था, पिछले महीने आया था, लेकिन तुम लोग उसे लिफ्ट ही नहीं करा रहे. बेचारा आता रहता, तुम उसे घर बनाने बेचारे ने, किराए के घरों में रह रहे, झोंपड़ी में रह रहे, दे दो यार उसको, उधार दे दो यार. आबिद रिक्वेस्टेड ईवीपी, अच्छा पीछे ही पड़ गया है, एफसीए हो चुका है, हरकतें देखो. आबिद रिक्वेस्टेड ईवीपी, बैंक मैनेजर के पीछे, यार खुदा के लिए यार, तेरी यार कंसिडर कर ले यार, यार उसकी एप्लीकेशन देख ले यार, देख ले. ईवीपी ने भी तंग आगे कहा, अच्छा 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 देख लूंगा, ठीक है आगे चलो, मसला क्या है. ऑन कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग में तो जो बात होनी थी वो, चलो लेने गए थे रिश्ता और पता नहीं क्या बातें करके आ गए. ऑन कंक्लूजन ऑफ मीटिंग जब कंक्लूड हो गई तो आबिद ने उमर को बुलाया, आबिद ने उमर को बुलाया, ठीक है, क्या कह रहे हैं, टू प्रिपेयर कढ़ाई, टू प्रिपेयर अ नोट, एक नोट बना दो. उसने कहा लीज का नहीं, फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, जिसमें ये प्रपोज कर दो कि यही रेट अच्छा रेट है, जिसमें ये प्रपोज कर दो यही रेट अच्छा रेट है. ये रेट कौन सा वाला है? हायर वाले, बेटे वाला रेट नहीं है ये भाईजन. वो बेटे वाली बात तो मीटिंग में चुप करके उसने की होगी, ये इस वक्त जिस मीटिंग के लिए मेन काम के लिए गए थे वो बात कर रहा है. तो अब आप बता दें इसमें जो है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ आबिद इज इन ब्रीच ऑफ मेंटल प्रिंसिपल्स. आबिद कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल वॉयलेट कर रहा है? अगेन वही, बॉस एम्प्लॉय को इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल नहीं रह रहा, क्योंकि इसके पीछे ये सोच रहा है कि मेरे बेटे को लोन मिल जाएगा इसलिए न्यूट्रल नहीं रह रहा. और तीसरा, ऐसी हरकत कर रहा है जिससे प्रोफेशन के नाम पर धब्बा आएगा, आंच आएगी, धब्बा आएगा, जो मर्जी कर ले आप. अच्छा, ऑल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट डेट उमर शेख मे फेस. उमर शेख कौन से थ्रेट फेस कर रहे हैं? इंटरमीडिएशन थ्रेट, बस सेल्फ इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है. आगे चले, क्वेश्चन 4, उमर इज ए, अच्छा यार हाथ दोगी यार, उस्मान इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड, अच्छा मुझे पढ़ा लेना, एंड हैज बीन वर्किंग एज फाइनेंस डायरेक्टर इन मेहरान लिमिटेड. समझ ले मेहरान कार्स है, ऐसे समझ ले जरा, मेहरान कार्स में ये नौकरी कर रहे हैं, पिछले एक साल हो गया माशाल्लाह, अल्लाह भाग लेगा इसके. ही रिपोर्ट्स टू सीईओ, सीईओ इसका बॉस है, जो भी आई कैप के रगड़े खा के आया हुआ है वो भी, तो इसने भी आई कैप के रगड़े खाए हुए हैं, इसने भी आई कैप के रगड़े खाए हुए हैं. ताजा ताजा
उस्मान जो यार करा लेने तो सीए, खड़े हो जाओ। उस्मान ताजा ताजा बोले जरा, ताजा ताजा उस्मान ने एक बिल रिसीव किया है, उस्मान को एक बिल मिला है जो कि किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इशू किया था। यानी ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब यह है कि मेहरान लिमिटेड वाले अपनी गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट करते होंगे, तो एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े बिलबोर्ड जो लगाते हैं, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बिल डायरेक्ट भेजती होंगी ताकि बिल अप्रूव हो और उस्मान पेमेंट करवा के दे। उस्मान ने एक बिल रिसीव किया ताज़ा ताज़ा, विच इज़ ड्यूली अप्रूव्ड फॉर पेमेंट बाय डायरेक्टर मार्केटिंग। ये कोई तीसरा बंदा बीच में आ गया है। असल में बिल पहले डायरेक्टर मार्केटिंग के पास आता होगा कि इश्तिहार उतनी दफा चला भी है या नहीं जितनी दफा वादा किया था, और उसके बाद पेमेंट के लिए बिल आ जाता होगा किसके पास, इसलिए उस्मान के पास बिल आया। ही हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ बिल विच वॉज इशूड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसको प्रॉपर साइन करके भेजा है मार्केटिंग डायरेक्टर ने। उस्मान का ख्याल है अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, जो बिल में पैसे लिखे हुए हैं ना अंडर द मोहदा, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो मोहदा हमारा हुआ है एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ, फॉर एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस। यानी जो हम एडवर्टाइजिंग कंपनी को पैसे दे रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए हैं मिसाल के तौर पे, और इश्तिहार सिर्फ 20 लाख रुपए का चलाया है इन्होंने, बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। जैसे उधर बैंक रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। उस्मान का ख्याल है कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज बहुत ज्यादा अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ सर्विस। वैल्यू ऑफ सर्विस को लिख लें 20 लाख मिसाल के तौर पर, वैल्यू ऑफ सर्विस 20 लाख, और एग्रीड टू बी पेड लिख लें 1 करोड़। वैल्यू ऑफ सर्विस 20 लाख और एग्रीड टू बी पेड 1 करोड़। अब 1 करोड़ यानी कि मुआहदे में बड़ी ज्यादा, अब उस्मान का ना दिल धक 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 कर रहा है, करोड़ रुपए की पेमेंट मैं करवा दूं, बाद में डायरेक्टर्स उन्हें मुझे पकड़ा हो यार इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट, करोड़ रुपए में तूने क्या एडवर्टाइजमेंट करवा दी थी, तूने जो है वो क्या कहते हैं इमरान खान को जो है वो लाके खड़ा कर दिया था एडवर्टाइजमेंट में। एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड दैट द पेमेंट उस्मान बिलीव्स दैट द पेमेंट वुड बी रीडायरेक्टेड टू ऑबटेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट रीडायरेक्ट होगी टू ऑबटेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये एक थोड़ा सा ना मुश्किल फिक्रा लगा था बच्चों को, इसका मतलब आपको क्या नजर आ रहा है, पेमेंट वुड बी री यूज टू ऑबटेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बाकी 80 लाख है ना वो रिश्वत है, वो हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को रिश्वत दी है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमें कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के दे। हो सकता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक का कोई जानने वाला कहीं पर हो, मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कोई जानने वाला फौज के अंदर हो, तो फौज के बड़े अफसर से उसने बात कर ली हो कि यार अब जो है ना नए जितने भी कैप्टन आने हैं उनको मेहरान गाड़ी आपने देनी है, तो अब हम सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़वाना चाह रहे हैं उससे रिश्वत दे के। एक तो ये ना वो कस्टमर्स को जाके एडवर्टाइजमेंट करे, एक है किसी ऐसे बंदे को पकड़े जिससे हमारी चीजें फौरन बिक जाएं, तो ये रिश्वत है। दैट अमाउंट वुड बी री यूज टू ऑब्टेन अ फलां कॉन्ट्रैक्ट फुल स्टेप। ही हैज डिस्कस्ड द मैटर विद सीईओ उस्मान सीईओ के पास चला गया जिसके दिमाग में कीड़ा है। ही हैज डिस्कस्ड द मैटर विद सीईओ, उसको अंदर की बात पता थी, उसने मशवरा दिया, ये मशवरा मशवरा नहीं होता ये हुक्म होता है, उसने मशवरा दिया है पेमेंट कर दो, और ज़्यादा जो तुम्हें पर लग रहे हैं ना कि 20 लाख की सर्विस और 1 करोड़ रुपया पे कर रहे हैं और 80 लाख रिश्वत है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग पे चीज़ें चढ़ी हुई हैं, तुम पेमेंट कर दो और जाओ इधर से निकलो कमरे से, आइंदा ऐसी बात ना करना मेरे से। ही हैज़ डिस्कस्ड द मैटर विद सीईओ, वो बड़े प्यार से सीईओ के कमरे में गया और सीईओ के कमरे में जाके उसने कहा यार मैं बंदा हूँ, मैंने मरना है, मैं सोचा मैं तुम्हें बता दूँ। तो सीईओ ने जवाब दिया भाईजान इधर से निकल जाएं आप, और ये हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा फायदा है इसके अंदर, तो इसलिए आप खुदा के लिए इस रिश्वत को दें। सीईओ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, जब आप कमरे से बाहर जा रहे थे सीईओ ने आपको कहा यार इधर आइएगा, अपना कान इधर करें, खुद उधर रहें, अपना कान इधर करें, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा गया ना तो मैनेजमेंट स्टाफ को हाथों हाथ बोनस दिया जाएगा। ये जो उस्मान इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस डायरेक्टर,
फाइनेंस डायरेक्टर अब पता नहीं मैनेजर ही होगा, भाई कैप यही शायद जानना चाह रहा होगा, तो ये मैनेजर ही होगा पता नहीं, तो लिखना चाहिए था वैसे वाजे तौर पे इसको कि ये मैनेजर टाइप कोई चीज़ है, लेकिन इसने फाइनेंस डायरेक्टर वैसे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट स्टाफ में आ जाता होगा कोई फाइनेंस का बंदा भी, तो इसको आई कैप ने डाला था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में, ठीक है। हालांकि वाजे तौर पर वैसे ये मैनेजर लग नहीं रहा, ये बल्कि क्या लग रहा है, फाइनेंस डायरेक्टर। तो बहरहाल उसने कहा है कि हम तुम्हें अच्छा खासा बोनस भी दे देंगे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा गया। तो इस लाइन की वजह से कौन सा थ्रेट आएगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, खतरा आएगा किसके दिल में, उस्मान के दिल में। और ऑब्वियसली बॉस ने जब एडवाइस कर दिया, इंटिमिडेशन थ्रेट तो है ही है, और बॉस को क्या करना चाहिए था, बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, बॉस के अंदर न्यूट्रल रह के नहीं चल रहा, बल्कि न्यूट्रल बंदा ये होता है जितना काम किया उतने पैसे दे, बल्कि ये उससे ज्यादा पैसे दिलवा रहा है। नंबर थ्री, प्रोफेशनल बिहेवियर इसलिए नहीं है कि ऐसी हरकत करवा रहा है जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगा। कल कलां को अगर पता चल गया कि आर्मी के बंदे इतनी गाड़ियां क्यों चला रहे हैं, तो अंदर जाके बात ये निकलनी है कि इन्होंने इनको पैसे दिलवाए थे, तो इससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगा। तो इसलिए वही सिनेरियोज हैं। तो ये तीन सवाल मैंने अभी आपके सामने सिर्फ रखे हैं, इन तीनों में सेम सोल्यूशन था, लेकिन इट डजेंट मीन कि हर दफा इसी तरह का सवाल आता है। दो सवाल हो रहे हैं हमारे, वो मैं फिर किसी और दिन करवाऊंगा, वो कॉन्फिडेंशियलिटी को डील करेंगे। तो चलें जी, कंसोलिडेटेड P&L बनाएं। क्वेश्चन कौन सा था जो मैंने आपको कहा था करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 21। मुझे जरा सवाल ना नोट करवा दें, सवाल नोट करवा दें, क्वेश्चन नंबर 21 सवाल पूरा नोट करवा दें। सेल पेरेंट की, सवाल नंबर 22 है, 400-200 और ग्रॉस प्रॉफिट 150 और 100, खर्चे 20-15, एक प्रॉफिट 130 और 85 जी। पी एक्वायर्ड 75% ऑफ सेवरल इयर्स अगो, कई साल पहले, पी एंड एल हैं 31-12-10 के। चलें जी कंसोलिडेशन करते हैं, एक मिनट लगाएं। अब आप कह रहे होंगे सिखा तो दें पहले, नहीं नहीं नहीं, खुद ट्राई करें, कंसोलिडेशन कर दें इसकी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, सेल 400-200, कॉस्ट ऑफ सेल 250-100, जीपी ना जीपी नहीं आपने करना, 150-100 जीपी आप निकालेंगे बैलेंसिंग कैलकुलेटर पे निकालेंगे, क्योंकि सेल कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट्स आएंगी अब आने वाले दिनों में, तो जीपी नहीं जमा करना। एक्सपेंसेस 20-15। चलें जी अब सॉल्व कर दें, 400-2 साढ़े 300 कितना आ गया, 250 215। ओके एक काम करें, 130-85 क्या आ रहा है कैलकुलेटर पे, 215। अब एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, आपने यस और नो में जवाब देना है। यस, पेरेंट का सारा प्रॉफिट
पेरेंट का है yes. और सब्सिडरी का सारा प्रॉफिट भी पेरेंट का है no. क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये पेरेंट अपने ओनर्स को बांट दे या पेरेंट रख ले no, पेरेंट रख ले 215 no, ना रखे पेरेंट 215 आप यानी क्या चाह रहे हैं आप किसका क्या हिस्सा किस को दे दें किसका सब्सिडरी का कौन सी अमाउंट 85 कितनी किसको दे दें सब्सिडरी के 85 का 25% एनसीआई को दे दें यही चाह रहे हैं आप सब्सिडरी के प्रॉफिट का 25% एनसीआई को दे दें दे दें वर्किंग फाइव खामोशी 5 सेकंड की वर्किंग 5, 4 के बाद 6 से पहले सुभान अल्लाह एस आर ई नहीं आर ई तो होती है एज ऑन टाइप चीज एस प्रॉफिट ये तो फॉर द ईयर टाइप की चीज है ना एस प्रॉफिट और बिल्कुल एस आर ई टाइप चीज है ये यहां लिखेंगे एस आर ई नहीं एस प्रॉफिट प्रॉफिट क्रेडिट नेचर के ना 85 और एस आर ई को दो में बांटते थे एस प्रॉफिट को भी दो में बांट दें ये फॉर द ईयर है ना तो इसको थोड़ा सा दे दें पेरेंट को और थोड़ा सा दे दें इसकी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ा करेगी पेपर में ये फिगर हमने निकाला करेंगे 85 का 25% इमरान खान को दे दें 21.3 ये किसको दे दें इमरान खान को दे दें देखें देखिए देखें 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 ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री एनसीआई को दे दें इसमें से और बैलेंसिंग 63.7 ये किसको दे दें पेरेंट को दे दें डन अच्छा आपका क्या ख्याल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे मैं वैसे बात कर रहा हूं ओहो 63.7 कौन बोला है 193.7 आपका क्या ख्याल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे ट्रीज वगैरह बनते होंगे क्या नहीं बना दें नहीं ये कुछ अपनी नहीं है चीजें कोई तो ऐसे ट्रीज वगैरह इसमें बनते होंगे तो इसको बेटर प्रेजेंटेशन में भी ले आता हूं वो तो कोई मसला नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए मैं बैग में हाथ डालने लगा हूं और मार्कर ढूंढने लगा था तो आपके समझने के लिए मैं वो वक्त ब्लू मार्कर मंगवाएं अच्छा आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि ये 193.7 है क्या ये 193.7 है क्या ये असल में पेरेंट का अपना 130 है और ये वो जो फिगर मैंने निकाली नहीं थी 85 का 85 का 75% यानी पेरेंट के सारे प्रॉफिट भी पेरेंट के हैं सब्सिडरी का 75% भी पेरेंट का है लेकिन इस फिगर को हम पेपर में निकाला नहीं करेंगे बिकॉज वो फॉर्मेट हमारा इस तरह चल रहा है कि पेरेंट का हिस्सा बैलेंसिंग आ जाया करेगा उधर नहीं होता था सीआरई जब बनती थी पीआरई जमा एस आर ई तो ये इस टाइप की कोई चीज है पी प्रॉफिट
जमा एस प्रॉफिट का हमारा हिस्सा, तो ये कोई पेरेंट का हिस्सा बन गया, और एस का और एनसीए का हिस्सा कैसे निकाला, उसी तरह सीआरई और एनसीए करके डन हो गया। तो एक दफा इसको इस तरह नोट कर लें, फिर जिस तरह पेपर में नोट करना है वो मैं बाद में आपको करवाता हूं। एक दफा इस तरह नोट कर लें, तो वर्किंग टू टाइप चीज बनेगी वर्किंग फाइव। ओके, ओके लेट्स स्टार्ट। 215 देख के आपको पेपर में कुछ इल्हाम नहीं होगा। आपने एक काम करने आज के बाद, आपने इसके साथ वर्किंग फाइव क्वेश्चन में लिख लिया करना है। प्लीज, मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इसके साथ वर्किंग फाइव लिख लिया करना है। जैसे एस आर ई के साथ वर्किंग टू लिखते थे, तो एस प्रॉफिट के साथ वर्किंग फाइव लिखना करना है। इसे तकसीम करना है या 130 को तकसीम करना है, जिसको तकसीम करना है उसके लिए वर्किंग खोल लें। आज इसके लिए वर्किंग खोलने की जरूरत नहीं है, हमें सीआरई अवॉइड हो गई, सीआरई टाइप कोई वर्किंग अवॉइड हो गई, एसआरई टाइप वर्किंग खुल गई, एस प्रॉफिट फॉर द ईयर। चलें जी, प्रॉफिट कितना आया सब्सिडरी का 85, उसी तरह लिखें जैसे एसआरई अकाउंट में लिखते थे, इसको बांट दें किसमें, अगर एडजस्टमेंट्स करके कर देंगे, अगर एडजस्टमेंट्स आए तो एडजस्टमेंट्स कर देंगे, एडजस्टमेंट वही वाली एस टू पी वाली और वो सारी जो एसआरई में एडजस्टमेंट होती थी, लेकिन एडजस्टमेंट सवाल में है नहीं, तो बिना एडजस्टमेंट्स के सवाल में कर रहा हूं। तो ये पेरेंट को दे दें, ये इमरान खान को दे दें, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इमरान खान को देने वाला लिख लें तो बाकी ये पेरेंट के प्रॉफिट है, इस तरह भी देखें, ये पेरेंट के प्रॉफिट है 130 और ये सब्सिडरी के प्रॉफिट्स का 75%, ये भी किसका है, पेरेंट का। ओके, पेपर में भी इसी तरह करेंगे, 400 जमा 200, 250 जमा 100, 20 जमा 15। ये कर लेने के बाद एस का प्रॉफिट आ गया 85। एस के प्रॉफिट को पीटीसीएल को दे दें, इसकी जरूरत नहीं है, वो बैलेंसिंग आ जाएगा, नो नीड। एनसीआई को इसका कितने परसेंट दे दें, कितना हो गया 20, ये फिगर निकाल के साइड पे रख लें, इसे भी यूज नहीं करना, 600 350 बैलेंसिंग 250 35 200। यहां आपने डबल अंडरलाइन लगा दिया करनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लफ्ज लिख के, अगर टैक्स वगैरह भी दिया होगा सवालों में, यहां आपने डबल अंडरलाइन लगानी है। इसके बाद आपने ना ऐसे लाइन नहीं लगानी, बल्कि दो फिगर्स ऐसे लिख देनी है, एट्रीब्यूटेबल टू यानी अवेलेबल टू, अवेलेबल टू पी एंड एनसीआई, लेकिन पूरा लिखा करना है, पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई। एक काम आपने किया करना है, इस फिगर को एज इट इज यहां लिखा करना है 215, इस फिगर का ये बांट रहे हैं ना, बांट के 215 ही टोटल रहना है, ये बैलेंस शीट ना बना दीजिएगा, वो सर आथर ने आज पी एंड एल में भी बैलेंस शीट बना दी, इसके दो हिस्से करने लगा बस में, तो इसके टोटल को आपने एज इट इज नीचे उतार लिया करना है। नीचे उतार के आपने इस 215 में आप देख नहीं सकेंगे कि कितना इमरान खान का हिस्सा है, बेहतर है कि 85 में से बता दें कितना इमरान खान का हिस्सा है, तो 85 में से 25% इमरान खान के, तो ये चला गया 21.3, बाकी जो बैलेंसिंग आया करेगा वो सारा का सारा पीटीसीएल का।
3.7 ये ब्लेसिंग आ जाता है. इट इज हाउ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल बी प्रिपेयर्ड. और ये वही है, इसके दो हिस्से हो गए हैं बस. एसआरई टाइप वर्किंग खुली है जिसका नाम है एस प्रॉफिट. मोहतरम आप चाह रहे हो कि इधर ही डायरेक्ट कर दें, ये पूछना चाह रहे हो या वर्किंग की लॉजिक पूछना चाह रहे हो? दोनों. वर्किंग क्यों खोल रहे हैं? नहीं, मैंने मिटा के ये नहीं कहना ना खोलें. दे दे सारा पेरेंट ना खोलो पेपर. रोता रहेगा इमरान खान. वो बंदा उठ के आ गया है. ओ भाई ना रो, ओ बैठ जा आसिम शुक्र बाप. ठीक है वर्किंग ना खोलो, अब दे दो सारा पेरेंट को जॉब. भाई ये पेरेंट को सारा ना दे प्रॉफिट. अच्छा अब इसको इस तरह देखें, भाई ने क्या ही दिया तो फिर मैं भी चुप नहीं करूंगा. 130 में ये वाला 130 ना, और 85 में 130 में 85 में है, इसीलिए तो ये 215 इसके बराबर आ रहा है. 215 का प्रॉफिट सारा पीटीसीएल का नहीं है. 215 में से 85 का 25% पीटीसीएल का नहीं है, तो इसलिए 85 को हम एक वर्किंग में ले जाया करेंगे. एस आर ई नी एस प्रॉफिट फॉर द ईयर, एस प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल. 85 का प्रॉफिट जो के सब्सिडरी ने कमाया है उसमें 75% हम रख लेते हैं और एनसीआई को दे देते हैं 25%. इसका मतलब है 21.3 एनसीआई का हो गया. अब जो बाकी है उसके साथ मैं लिख सकता हूं पेरेंट. एक मिनट, क्लियर समझ आ गई बात? अब तो ये वजह है कि सब्सिडरी के प्रॉफिट का 25 हमारा नहीं है. सब्सिडरी के प्रॉफिट का 25 हमारा नहीं. अच्छा पहले किताबों में ना ऐसे होता था कि 21 सर या 3 माइनस कर देते थे, एनसीए को दे देते थे, बाकी सारा हमारा होता था. लेकिन आप जरा फिर भी वो जवाब तो वही आ जाने. अब जरा ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया कि ट्री ट्रू बनाने की बजाय आप इसे क्लोज कर दें. बांटना क्या क्या है? 215 इसमें एनसीए को कितना दे दें? 21.3 और पेरेंट को 193.7. इसका नाम हुआ करेगा तकसीमेबल, एट्रीब्यूटेबल टू. जी मोहतरम आप पूछो. जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और पीएनएल का ना सवाल मैंने इकट्ठा करके एक करवाना है आपको, उससे इस वाले सवाल का आपको जवाब मिलेगा. लेकिन फिलहाल मुझे जिस तरह मैं चला रहा हूं उस तरह समझ आ गया कि एस के प्रॉफिट का कितने परसेंट एनसीआई को दे दो? 25% एनसीआई को दे दो, बाकी सारा हमारा है. इस तरह तो समझ आ रहे हैं ना? आप बता दें अगर 193.7 का आपने ब्रेकअप करना है तो पेपर में करने की जरूरत नहीं है. पेरेंट का सारा प्रॉफिट भी पेरेंट है और 85 का भी पेरेंट है, लेकिन ये कैलकुलेशन पेपर में हमने करनी नहीं होगी. क्लियर?
क्या जहन में कंफ्यूजन क्या आ रही है? पूछो पूछो। एटी फाइव सब्सिडरी का प्रॉफिट है, इसको मैं लेके गया हूं यहां। सब्सिडरी के प्रॉफिट में से 21.3 मैंने दे दिया एनसीआई को, तो ये सारे प्रॉफिट्स हैं। इन प्रॉफिट्स में से 21, इसमें तो दोनों के पड़े हुए हैं, इसमें से इतना एनसीआई को दे दो, बाकी सारा पेरेंट एंजॉय करे। चलें जी, ऐसे ही एक सवाल कर लें अपने समझने के लिए। सवाल नोट करने की जरूरत नहीं होगी आपको, सॉल्यूशन सिर्फ नोट कर लीजिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं, खाली सॉल्यूशन नोट कर लें। ये सवाल सॉल्व करें। अच्छा, क्या उसने फिकरा क्या बोला? अच्छा चलें, जल्दी नोट कर। आसिम आ गए हो तो हाथ हिला दो। अक्सान खाना खा के आए हो, नमाज पढ़ के आए हो, या दोनों काम करके आए हो? दोनों काम करके आए हो। खाना कहाँ जाके खाया? इधर ही इनके साथ जाए। बरकत मार्केट, फैसल टाउन, कोटा पिंड। अच्छा अच्छा जी, नाउ इसको आपने वर्किंग फाइव में लेके जाया करने। एस का कितना प्रॉफिट एनसीआई को देना है? 10% हो गया। छ सौ, 300, 900, 150, 150, 7। आपका इंजीनियर भाई बैठा होगा, वो कहेगा यार एक केड़े कम लाया है, 600 जमा 300, 900 सीए कर रहा है, 100 जमा 50 150, 10 जमा 750। आपने से कहने में कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, उसने कहा तो बहुत आसान है, लेकिन जमा हो रही है 700। ये नहीं भूलना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, 735 का जो प्रॉफिट है उसके आगे लिख दूं पेरेंट, ये सारा पेरेंट का है, ये पेरेंट का सारा नहीं है। वर्किंग फाइव, सब्सिडरी, पेगम, आपने कितना कमाया इस साल? सब्सिडरी ने कितना कमाया जी? 245। सब्सिडरी ने कमाया है 245। इसमें से इमरान भाई को कितना दे दें? 10%। अच्छा टोटल कितना कमाया है? 75। इसमें से इमरान खान को कितना दे दें? 710.5। ये पेरेंट आप ले जाएं, ये इमरान खान आप ले जाएं, और सब्सिडरी की जान निकल गई।
सारे प्रॉफिट ये लोग ले गए। एत्री ब्यूटेबल टू, चलें जी वो सवाल रिवाइज कर लें जो पीटीसीएल ने सब्सिडरी को बिस्किट बेचे थे और या फिर सब्सिडरी ने पीटीसीएल को बिस्किट बेचे थे, वो सवाल रिवाइज कर लें। किधर है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, जी तरम मोहतरम जी, भाई आपका दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। पेज नंबर जज्बाती ना आएगा, पेज नंबर सिक्स, सीरियस ना लिया करो बात को। पेज सिक्स, पेज नंबर सिक्स बुक का, ये पढ़ लें जरा। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10, नीचे ना देखिएगा, पेज नंबर सिक्स। हाँ ये पहले किया हुआ है, बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था, मिसमैच हो गया था मेरे सुनने और आपके बोलने में, या आपके बोलने और मेरे सुनने में। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, सब्सिडरी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10। भाइयों आपके लिए चल के जाने लगा हूं, आपके लिए मैं चल के जाने लगा, आप इधर देखो, दानिश थोड़ा चेहरा इधर करें। एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, ऑब्वियसली एक एंट्री इसके साथ होगी, डेट विल बी 12 वाली। आप पढ़ो जरा उधर क्या लिखा हुआ है, शुरू से। बस बस बस, सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, आगे बोलो। एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर रुपीज, इस तरह में एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर रुपीज, तो फिर पेरेंट ने इसको परचेज किया होगा, वो पागल दीवाना बेच रही है तो ये दीवाना खरीद रहे। भालू है सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज 15, इसने बेच दी है 15 की, इसने कितने की बेच दी है, 15 की बेच दी है। अच्छा ये जो आपस का प्रॉफिट होता है ना, वो ये सेलर बुक करता है, ये पेरेंट ने तो बाहर के किसी बंदे को बेची है, आपस का प्रॉफिट इसने बुक किया हुआ है। अच्छा अब हम मुझे ये बता दें, बेस्ड ऑन दिस डेटा, ओपनिंग स्टॉक तो सवाल में गिवन नहीं है, इट इज 0, 0, 10 वाली चीज इसने 12 की बेच दी है, तो क्लोजिंग स्टॉक, इसने 12 वाली चीज 15 की बेच दी है, तो क्लोजिंग स्टॉक 0। तो अब आप जरा मुझे ये बता दें कि कॉस्ट ऑफ सेल 10 और 12, 12 और इसने कितना प्रॉफिट बुक किया, 2 का, इसने कितना प्रॉफिट बुक किया, 3 का। और मैंने आपको ये कहा था
कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, कि इस एडजस्टमेंट को आपने पेपर में इग्नोर करना है फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन. इसको पेपर में आपने इग्नोर करना है. द रीजन इज कि सब्सिडरी ने बाहर किसी से 10 रुपए की चीज खरीदी थी. इनको काट देना आपस में 12 12 को. सब्सिडरी ने 10 रुपए की चीज बाहर किसी से खरीदी थी, जानने वाले को 12 की बेच दी, इसने आगे 15 की बेची, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया और वही हमने रिकॉर्ड कर लिया. इसलिए बैलेंस शीट का सवाल करते हुए यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, आपने कुछ भी नहीं करना. बट व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन ऑफ P&L, इस रेटे का जरा समरी क्या थी. सोल्ड बाय एस टू पी. सोल्ड कितना था? सोल्ड 12 था. अगले के लिए कितना अनसोल्ड था? वो तो बेच दिया था उसने सारा. और अनसोल्ड का प्रॉफिट 0. ऐसा ही है. अच्छा जी, तो सवाल में क्या लिखी हुई थी पहली लाइन? सब्सिडरी परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10. आगे क्या लिखा हुआ है? एंड सोल्ड टू सब्सिडरी एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर रुपीज. इसको आपस की सेल कहते हैं ना, एस टू पी 12. अच्छा, तो पेरेंट की ये किस में आ गई? परचेज में. पेरेंट ने कितने का बेचा? 15 का. क्लोजिंग स्टॉक 0. ओपनिंग स्टॉक 0. अच्छा, अब आपने एक काम करना है पेपर में. इसकी हम मैंने एंट्री आपको करवाई थी SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट, और इसकी एंट्री अल्लाह का शुक्र है बैलेंस शीट के सवाल में कोई बनी नहीं थी. लेकिन जब आप बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो आपको एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. वो क्या करनी पड़ेगी? पी एस. इसने कितने का खरीदा है? 10 का. इसको कितने का बेचा है? इसने बाहर कितने का बेच दिया? 15 का. मुझे बताएं, अगर मैं ग्रुप हूं तो मेरी परचेज कितने की है और सेल 15 की. इज इट सो? अब मुझे बताएं, मैं अगर 12 जमा 15 पेपर में कर आया तो मैं तो कह रहा हूंगा कि मैंने सेल कितने की है? 27 की. पता नहीं कौन सी सेल है और किसको हो रही है. इसलिए इस 12 को आपको यहां कैंसल आउट करना पड़ेगा -12. और जैसे वो तो डेटर क्रेडिटर कैंसिल करते थे ना, आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल करते थे, इधर आपस की सेल परचेज कैंसिल करेंगे. इस 12 को माइनस करना पड़ेगा. 15 को खुदा के लिए माइनस ना कीजिएगा, 15 तो आउटसाइड वर्ल्ड की सेल है. और इस 10 को भी कैंसिल ना कीजिएगा, ये तो आउटसाइड वर्ल्ड से परचेज है. इस 12 की परचेज क्या इसने एस से की हुई है? इसको भी क्या कर दें? तो बैलेंस शीट के सवालों में डेटर क्रेडिटर एडजस्ट हुआ करेंगे, और P&L के सवालों में सेल और परचेज. अब जरा फाइनल रिजल्ट देखें क्या बने. 12 जमा 15 इज गिवन इन क्वेश्चन. मैंने पेपर में 12 की एडजस्टमेंट कर दी, मेरे P&L के मुंह पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 15. 10 जमा 12 माइनस 12, पेपर में क्या फिगर आ जाएगी? 10. अब 15 में से जब मैं 10 की कॉस्ट ऑफ, ये तो एंड पर डब्बा बन के 10 की कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी ना, तो 15 में से जब मैं 10 की कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूंगा तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा. तो बैलेंस शीट के सवालों में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, डेटर और क्रेडिटर को एडजस्ट करते थे. इधर क्या करेंगे? सेल और परचेज को. अब बैलेंस शीट के सवाल में मैंने कहा था इस 0 की आपने एंट्री करनी है SRE डेबिट स्टॉक, और इन दोनों को मैं क्रॉस कर देता था कि इनको कहीं यूज नहीं करनी. लेकिन P&L के सवालों में इस 12 का आपने करना है डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल. परचेज असल में कॉस्ट ऑफ सेल में ही चली जानी है ना, तो परचेज अलग से सवाल में हमें दी नहीं हुआ करेगी, हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल दिया करेगा. जैसे भी मैंने सवाल किया था, मैं कॉस्ट ऑफ सेल दी थी, तो 12 को डिडक्ट कर दिया करेंगे फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल. इसका तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करना क्योंकि ये है ही 0. अब मैं आगे मूव करता हूं. जिस एग्जाम्पल के अंदर हम ऐसा करेंगे कि अगला बंदा चीजें आगे बेच नहीं सकेगा. एक एडजस्टमेंट मैंने आपको करवा दी है, आपस की सेल आपस की परचेज कैंसिल करवा दी है. एक सिनेरियो ये बन सकता है
जो हमारी इलस्ट्रेशन टू है, जो इलस्ट्रेशन नंबर, ये मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, इलस्ट्रेशन टू, सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12 और पेरेंट को इसने कितने की बेच दी, 12 की। तो पेरेंट ने इसे किसमें डाला होगा, परचेज में। पेरेंट डिड नॉट सोल्ड द गुड्स टिल हियर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट डिड नॉट सोल्ड द गुड्स टिल, पेरेंट अभी तक चीजें बेच नहीं सका, पेरेंट अभी तक चीजें बेच नहीं सका। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, इसने तो बेच दी थी तो इसका स्टॉक जीरो, इसने बेच नहीं सका तो इसका स्टॉक 12, ये बात समझ आ गई। ये इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, साइन वगैरह मैं लगा दूंगा, साइन की भी टेंशन ना ले आप, ये क्लोजिंग स्टॉक इसका 12 होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि सोल्ड कितना है, आपस के आपस वाली बतानी है, सेल आउटसाइड वर्ल्ड वाली नहीं तानी होती, इधर आपस वाली तानी होती है। सोल्ड 12, अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक, हिम्मत हिम्मत जल्दी जल्दी बताएं, अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक, अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक जीरो, अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक 12, अनसोल्ड का प्रॉफिट सेलर ने कितना बुक किया था, सेलर ने कितना बुक किया था, दो का। इसको आप इक्वेशन वगैरह लगा के निकालते होते थे, ये अब डाटा आपके सामने आ गया। बैलेंस शीट के सवाल में क्या करते थे, इसे क्रॉस करते थे, इसे क्रॉस करते थे, इसकी एंट्री एसआरई डेबिट, ऐसे सेलर ऐसे और स्टॉक क्रेडिट, ऐसे ही करते थे बैलेंस शीट के सवाल में। अच्छा ये फिगर्स देख लें अगर किसी को मसला आ रहा है, व्हाट इज सोल्ड बाय एस 12, व्हाट इज अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक, व्हाट इज द प्रॉफिट रिकॉर्डेड बाय एस इन आपस की सेल, इनको हम क्रॉस करते थे और क्रॉस करके एंट्री करते थे एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अच्छा इधर आपने क्रॉस नहीं करना, पी एंड एल बनाते हुए इस 12 के साथ एक सलूक करना है, ये आपस की सेल है, इसे एडजस्ट करें माइनस 12, ये आपस की परचेज नहीं है, ये आपस की परचेज है, इसे एडजस्ट करें कितना माइनस 12। ये दो एडजस्टमेंट्स करने के बाद मुझे आप बताएं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये कितना आ जाएगा, 12 जमा 0 माइनस 12। ग्रुप ने तो सेल ही नहीं की, ग्रुप बेचारा चीजें बेच ही नहीं सका, हां सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचती थी लेकिन आगे तो नहीं बिक सकी। नेक्स्ट 10 जमा 12 माइनस 12, हां हां ग्रुप की परचेज तो है, ये परचेज है। नेक्स्ट ये 12 अगर मैं इधर लिख दूं तो कोई पता नहीं क्या चीज बन जाएगी, ये 12 अगर मैं इधर लिख दूं तो गड़बड़ हो जानी है भाई जान, इस 2 रुपए की एंट्री कर देते हैं ताकि ये 12 भी 10 होके इधर आए। क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ी देर पहले आपने कम कराया मुझे एक एंट्री करके एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, तो स्टॉक को तो क्रेडिट करते रहे हैं हम, क्या ये स्टॉक ग्रुप की नजर में 12 का बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए, इस वक्त तो पेरेंट की बैलेंस शीट में 12 का नजर आ रहा है, क्या ये ग्रुप की नजर में 12 का स्टॉक है या ये 10 का है, इस वक्त की कहानी क्या है, इस वक्त की कहानी क्या थी, इस वक्त की कहानी ये थी कि इधर एस था इधर पी था, इधर 10 का खरीदा था इधर 12 का बेचा था इधर 15 का बिक चुका था, लेकिन अभी हमारी कहानी तो ये नहीं है, अभी क्या कहानी है, 10 का हमने खरीदा है 12 का बेच के इसके क्लोजिंग स्टॉक में 12 का पड़ा है और ये आगे अभी तक बेच, क्या बैलेंस शीट में 12 का पड़ा होना चाहिए, क्या बैलेंस शीट में 12 का पड़ा होना चाहिए या कॉस्ट पे पड़ा होना चाहिए, कॉस्ट पे, व्हाट इज द कॉस्ट टू ग्रुप, व्हाट इज इन्फ्लेटेड प्राइस 12, इसमें कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 2 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अच्छा अब मुझे आप बता दें इस 2 रुपए की, इसको तो 2 काम करें ना, सेल में से भी माइनस कर दें, सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट कर दें, वो मैंने कर दिया 12 और 12 को, इस 2 रुपए एंट्री
पी एंड एल के सवालों में हुआ करेगी, जीपी डेबिट, एसआरई डेबिट या जीपी डेबिट? जीपी डेबिट। जीपी क्या मतलब? ग्रॉस प्रॉफिट। ओ भाईजान, इसने ग्रॉस प्रॉफिट बुक किया हुआ है, किधर घूम रहे हैं, इसने ग्रॉस प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ये आपस का है। जीपी डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होगी, जीपी डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। ये जो जीपी डेबिट और स्टॉक क्रेडिट है ना, इसमें आप मुझे सोच के बताएं, स्टॉक क्रेडिट किस साइन के साथ करूं? स्टॉक क्रेडिट माइनस 12 क्यों? माइनस 12 क्यों? -2 क्यों? स्टॉक पड़ा किस पे है? अगर ये ना बेचता तो इसका 10 पे ही पड़ा रहता ना, अगर ये ना बेचता तो इसका 10 पे ही पड़ा रहता, इसलिए ओवरऑल हमारा भी 10 पे ही पड़ा रहना चाहिए। तो 12 में से माइनस किया 2, तो जवाब क्या आ गया? अब जरा मुझे पूरा पी एंड एल बनवाए, ओपनिंग 0, 0 जमा 10 माइनस 10 कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या चक्कर है? कंसोलिडेटेड पी एंड एल में प्रॉफिट क्यों 0 मुझे नजर आ रहा है? जल्दी से बताएं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट क्यों 0 नजर आ रहा है? इसलिए कि अभी तक हम चीजें किसी को बेच ही नहीं सके, तो स्टॉक को हमें मजबूरन 2 से कम करना पड़ेगा ताकि स्टॉक किस पे आ जाए? कॉस्ट पे। और परचेज भी किस पे पड़ी है? कॉस्ट पे। अब 2 काम हो गए, जो तो स्टॉक बिक जाया करेगा उसकी हम डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन इसकी तो एंट्री कोई नहीं बनेगी। लेकिन जो स्टॉक हम बेच देंगे लेकिन आगे अभी तक बिक, उसमें एक और एंट्री किया करेंगे, वो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट स्टॉक क्रेडिट। जीपी कैसे डेबिट करना है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं, फिलहाल मैंने आपको स्टॉक कम करके शो कर दिया, स्टॉक कम करके शो हो गया, और इसका स्टॉक कितने के ऊपर नजर आ रहा है? 10 के ऊपर। ये दोनों चीजें नोट कर लें आप। नहीं, वो मैं बताता हूं आपको, वो मैं बता देता हूं। साइन जरा देख के लगाइएगा, जो मैंने लगाए हैं वही लगाइएगा। बारह माइनस 12, 10 जमा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 10। हाँ जी, उधर भी थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उधर भी टेढ़ा हो रहा है, ये लो। अब ठीक है, नहीं कहते, कहते हैं हुण आराम है। ठीक है, नाउ यू आर रिलैक्स। तीन 35 तक इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। ओके, सवाल निकालें।
ये एंट्री अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मैं ज़रा सवालों को आने दो। फिलहाल ये बता दो कि स्टॉक कम करना है, बस जीपी को भी छोड़ो। उधर होता था रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, इधर मैंने जीपी डेबिट किया, एसआरई डेबिट। अगर एंट्री फिलहाल समझ नहीं आ रही तो साथ ब्रैकेट में एसआरई लिख लें, अर्निंग डेबिट यानी जीपी डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। चलिए लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन इट। मैं दोबारा कर रहा हूं, अब सिर्फ आपने इधर देखना है भाई, अब नोट कोई भी करे छोड़ दे। सब्सिडरी परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10 फ्रॉम, भाई सारे काम छोड़ के सर देखें, सब्सिडरी परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10 फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड सब्सिडरी सोल्ड इट टू पेरेंट फॉर रुपीज 12। इट मींस पेरेंट बॉट इट फॉर रुपीज 12। पेरेंट सोल्ड दीज गुड्स टू आउटसाइड वर्ल्ड फॉर 15। इट मींस दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आ रही। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, किसने हिम्मत की आपस की सेल करने की? कितने की बेची हैं चीजें? 12 की। अनसोल्ड लाइंग इन पी स्टॉक, तो फिर उनका प्रॉफिट भी निकालने की जरूरत है। ओके, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए आप कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, इस फिगर को आप सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस कर देंगे, -12 -12। 15 की असल में हमारे ग्रुप की सेल है जो ये आपको नजर आ रही है, और 10 हमारे ग्रुप की क्या है? परचेज है। तो ये एंट्री करने से अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट 5 रुपए का नजर आने लग जाएगा। इट्स ओवर। सब्सिडरी बॉट गुड्स फॉर रुपीज 10 एंड सोल्ड देम टू पेरेंट फॉर रुपीज 12, देयरफॉर पेरेंट बॉट देम फॉर रुपीज 12। पेरेंट हैज येट नॉट बीन एबल टू सेल दीज गुड्स टू आउटसाइड वर्ल्ड। It means these are still lying in parent stock. Sign को छोड़ें, अभी sign सवाल खुलेगा तो देख लेंगे। It is still lying in buyer stock. What is sold by S2P? What is lying in buyer stock? 12. What is the profit made by seller? सेलर आपस का सेलर वाला पूछ रहा हूं, व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय सेलर? 2। काम वही करना है आपने, 12 को फिर भी माइनस करना है, 12 को फिर भी माइनस करना है। ये नहीं कहना है नहीं मैंने 12 को माइनस नहीं करना, वो देख लें 12 जो है वो इधर पड़ा हुआ है, इसको माइनस करना पड़ेगा। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट कर दें, डेटर क्रेडिटर नहीं मैं कह रहा, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट कर दें। ये 12 के एडजस्टमेंट करें, ये वाला 12 खत्म हो गया, ये वाला 12 खत्म हो गया। अब क्या बनेगा? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। शुक्र है अब उसमें कोई सेल नहीं आ रही। ये क्या चक्कर है, सेल ही कोई नहीं आ रही क्योंकि सेल हुई नहीं। अच्छा, 10 जमा 12 माइनस 12, 10 जमा 12 माइनस 12 10। और ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है परचेज हमारी सही आ रही है, 10 रुपए की हमने परचेज की भी है। स्टॉक किस पे पड़ा होना चाहिए ईयर एंड पे? 12 रुपए पे, 10 रुपए पे या 0 रुपए पे? भाईजान पड़ा हुआ है यहां लेकिन 12 पे नहीं पड़ा होना चाहिए, किस पे पड़ा होना चाहिए? तो स्टॉक को क्रेडिट कर दें, डेबिट फर्क करें, डेबिट को छोड़ें पड़े, स्टॉक को क्रेडिट कर दें। स्टॉक कम, -2 -2, 12 माइनस 2 10। अब जब इधर ओपनिंग स्टॉक आएगा परचेजेस आएंगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल 0 आ जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल 0 आएगी
तो प्रॉफिट भी, क्योंकि अभी तक हम चीज बेच नहीं सके, आपस में ही खेल रहे हैं कुछ चीजों से, अभी तक हम चीज बेच नहीं सके. वेरी सिंपल स्टोरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. हाँ जी, क्लोजिंग. अलाइनमेंट आउट हो रही है. सही है, यही कह रहे थे, यही कह रहे थे ना. साइन अभी ना लगाओ यार, ऐसे कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट करेगा. साइन ना लगाओ, मैंने कहा साइन मेरे वाले यूज करो जो मैं यूज करो. चले चले बिस्मिल्लाह पढ़ें यार. तो सवाल 24वां सवाल ही है और 25वीं भी सवाल ही है, इसको करके 3:30 बजे तक इंशाल्लाह घर जाएंगे. साहब घर वाले भी कहते हैं पता नहीं किधर गया है. एंटिटी पी बॉट 70% ऑफ एस सेवरल ईयर्स अगो. ये वाली एडजस्टमेंट अभी छोड़ दें, पी एंड एल का मुंह बना लें. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. जी भाईजान, सेल 800 और 450, 800 और 450. कॉस्ट ऑफ सेल 350 और 150. 350 ते 150. जीपी को नहीं लिफ्ट करानी. एक्सपेंसेस 120 और 80. इधर देखें, ये एस आर ई है या एस प्रॉफिट फॉर द ईयर है, इसको बांटना है या 330 को भी बांटना है. इसको वर्किंग फाइव में फिलहाल लेके रख लें, फिर देखेंगे इसका क्या करना है. वर्किंग फाइव, एस प्रॉफिट फॉर द जी कितना, 220. ये ना सारा डेटा आपने लिख लिया करना है एक दफा, सवाल का एस प्रॉफिट भी यहां लिख लिया करना है. ओके चलिए जी, अब एडजस्टमेंट की तरफ आ जाए. ड्यूरिंग द ईयर ये तो वही इसी तरह लिख लेना जिस तरह आप लिखते होते थे. वर्किंग नंबर 8 कर लेते हैं इसको. वर्किंग नंबर 8, एस टू पी है, सोल्ड अनसोल्ड और अनसोल्ड का ये निकालें तो उसी तरह ना तीनों फिगर जैसे पहले निकालते थे. ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स फॉर ₹60. एस ने सेल में डाला होगा, उसने परचेज में डाला होगा. At a markup of 25% at year end, P still had 1/4 of these goods in stock. P still had 1/4 of these goods in stock. वो 60 में से 15 की चीजें बेच नहीं सका. हंड्रेड प्लस 25 इज इक्वल टू 125. फिगर्स हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होंगी. ये 15 रुपए वाली 15 अगर पड़ा हुआ है 125 पे तो बताओ 3 ये कर दें बस. जिसने सेल में डाला हुआ तो दूसरे ने परचेज में डाला हुआ तो डिडक्ट कर दें इसको. सेल है और इसकी एंट्री कर दें अर्निंग डेबिट स्टॉक क्रेडिट. अगर अर्निंग अच्छा नहीं लग रहा तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट स्टॉक क्रेडिट. जी मोहतरम, सारे इधर देखें, बात ऐसे उठने लगी है एकदम. 60 को निकाल दें. इसमें ऐसे सोचा ना करें कि मैं एस की सेल में से निकाल रहा हूं 60, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती. एस ने बेचा तो एस की सेल में से 60 निकाल रहा हूं और पी की
परचेज में से 60 निकाल रहा हूं, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं हुआ करेगी, ये डेटर क्रेडिटर टाइप एडजस्टमेंट होती है। एक की सेल में से निकाल दें, दूसरे की परचेज में से निकाल दें, ये तो करनी करनी है। डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। ये जो प्रॉफिट कम करना है ना, असल में अब आपने ये समझना है, पहले ना मुझे क्लोजिंग स्टॉक मुंह पे नजर आ रहा था, माइनस करना बड़ा अच्छा लग रहा था, क्लोजिंग स्टॉक मुझे मुंह पे नजर आ रहा था, माइनस करना बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है यहां मैं प्लस करके पोस्टिंग करूंगा, हालांकि मैंने स्टॉक कम करना है और यहां मैंने लिखा भी -2 है, लेकिन वो मेरे सामने पहले क्लोजिंग स्टॉक था, अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल है। अब ऐसा करते हैं कि पहले कोई ऐसी एंट्री देख लेते हैं जिससे ये मिलती जुलती एंट्री हो, ताकि हमें समझ आ जाए हम एक एंट्री करते होते थे इंट्रो की क्लास में, सेल 100 रुपया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, 4 रुपये, 50 माइनस 4 46, वट एवर द प्रॉफिट मे बी, एंड ये 46 कॉस्ट ऑफ सेल है। किसी आने वाले ने बताया, पागल हो तुम, दीवाने हो तुम, मस्ताने हो तुम, हमने कहा क्या हो गया, कहते पागल हो तुम्हें डीओजी ने काटा है, इसको एनआरवी पे लेके आओ, 3 रुपए पे लेके आओ, 1 रुपए एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करो, 1 रुपए एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करो, लाओ 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 इसको 3 रुपए पे लाओ। हमने कहा ले आते हैं यार एनआरवी पे लाने, ये गल सड़ गया, इसको 3 रुपए पे लाओ, इसको 3 रुपए पे लाओ, इसको 3 रुपए पे लाओ, 1 रुपए का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड हुआ ना, इधर आंखें उधर आंखें, इधर 4 वाली चीज गल सड़ के कितने रुपए की रहेगी, 3 रुपए की। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, कितनी हो गई 47, वट एवर द प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट क्या हो गया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब एंट्री क्या बनी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ये होती है एनआरवी लॉस की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे तो बंद करके दोबारा खोल के देखें, कॉस्ट ऑफ सेल ये होता है, थोड़ा शुरू शुरू में होगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ये आपको मैंने कहा था किसी दिन एनआरवी लॉस की एंट्री की लॉजिक बताऊंगा। ये पी एंड एल है बिफोर एनआरवी लॉस, और ये पी एंड एल कौन से, आफ्टर एनआरवी लॉस। तो ये भाईजान एंट्री होती है एनआरवी लॉस की 1 रुपए से, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अच्छा अकाउंटेंट्स ने ना एक काम शुरू किया हुआ है आजकल, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट कम करना पड़े तो वो लोग ग्रॉस प्रॉफिट कम नहीं करते, वो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देते हैं, इससे ऑटोमेटिकली ग्रॉस, क्योंकि जीपी टाइप का अकाउंट होता नहीं किताबों में, कॉस्ट ऑफ सेल सेल अकाउंट तो किताबों में होते हैं, तो जब भी वो किसी नुकसान को कॉस्ट ऑफ सेल में डालना चाहें या किसी नुकसान से जीपी कम करवाना चाहें, तो वो नुकसान जो जीपी को चार्ज होगा वो जीपी को डेबिट ना करें, जीपी नाम का कोई अकाउंट नहीं है, वो नुकसान जो जीपी को डालना है उसे खर्चे बढ़ा दें ताकि जीपी कम हो जाए। तो जब भी आप खर्चे बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 100% एनआरवी लॉस वाली एंट्री में किया करूंगा, यहां पे इस 3 रुपए की एंट्री में करूंगा, खर्चे बढ़ा दूंगा, नहीं पसंद आया ना पसंद आए, प्रॉफिट कम कर दूंगा, नहीं पसंद आया ना पसंद आए, अर्निंग कम कर दूंगा, जो मर्जी तीनों में से आपको चीज पसंद आ रही है। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट डेबिट हो जाते या अर्निंग भी कम हो जाती है। ये जी फाइनल वर्जन बना है हमारी एंट्री का, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, एनआरवी लॉस वाली एंट्री हुआ करेगी 100%। चलो शुक्र है ये भी आसान होगी, एनआरवी लॉस वाली एंट्री, जब भी स्टॉक कम करना हो तो एनआरवी लॉस की एंट्री कर दें, करें जी। अब इस 3 रुपए को पोस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, स्टॉक खुद ही क्रेडिट हो जाएगा, आपने स्टॉक की टेंशन नहीं लेनी, और घर जाके ये नहीं सोचना सर इधर माइनस कर रहे थे, सर भाई इधर मुझे क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा था, लेकिन अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल को पकड़ूंगा
तो वो मुझे साइन ऐसे करना पड़ेगा। और मैं असल में क्या करना चाह रहा हूं, मैं जीपी कम करना चाह रहा हूं, इस पे तो आप एग्री कर रहे थे ना, जीपी या अर्निंग कम करना चाह रहा हूं। जीपी या अर्निंग कम करने का तरीका, खर्चे बढ़ा दो। तो ये मैंने खर्चे बढ़ाए हैं, तो इसको इस एंगल से आपने सोचना है कि मैंने खर्चे बढ़ा दिए। खत्म हो गया जी सवाल, टोटल्स कर दें सर। डबल एंट्री, भाई डबल एंट्री में कहां से कराऊं, पीएनएल का सवाल है ये। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगी 3 रुपए से, और बैलेंस शीट के मुंह पे स्टॉक क्रेडिट किया करेंगे 3 रुपए से। जब कभी बैलेंस शीट का सवाल और पीएनएल का सवाल मिक्स आ गया तो बैलेंस शीट के मुंह पे 3 रुपए क्रेडिट कर दिया करेंगे। लेकिन इस 3 रुपए की डबल एंट्री तो मेरे से ना करवाए ना। हाँ जी, नहीं सेलिंग एक्सपेंसिस में नहीं जाता, ये डायरेक्ट खर्चों में जाता है। डबल वन ये ब्लू में जो ना, ब्लू में मैंने एडजस्टमेंट्स किए हैं ब्लू मार्कर से। यार 220 पे अब क्या करना है, 220 में से कितना देने एनसीआई को, चलिए जी आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट और आखिरी सवाल आज की क्लास का, पक्की बात कर रहा हूँ, आखिरी कॉन्सेप्ट और आखिरी सवाल आज की क्लास का। ये 220 का जो सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया है, इसका 220 का जो सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया है, इसका 30% एनसीआई को दे दूं? चलिए आज एक बात सुन लें, वो सारी एडजस्टमेंट्स जो एसआरई में होती थी वो एस प्रॉफिट में भी हुआ करेंगी, क्योंकि आरई एज ऑन टाइप अर्निंग होती है और प्रॉफिट भी फॉर द ईयर टाइप अर्निंग होती है। वो सारी एडजस्टमेंट्स जो एसआरई में होती थी वो एस प्रॉफिट में भी हुआ करेंगी। किसी को याद हो एसआरई में एस टू पी की ये वाली फिगर आती थी, ये तो इनको तो हम वैसे ही लिफ्ट नहीं कराते थे, ये वाली फिगर आती थी, अच्छा ये डेबिट साइड पे आती थी, एसआरई में एस टू पी लिख के यहां आता था, और कितने रुपए हैं 3 रुपए। अब आपने एक सवाल पूछना है जो बिल्कुल 100% 100 आने का नहीं है, 100 किलो का सवाल है। आपने कहना है वो सर जी खुदा इधर भी तो 3 रुपए का खर्चा बुक कर रहे हैं, तो या आप इधर 3 रुपए का खर्चा बुक कर लें या आप इधर 3 से प्रॉफिट कम कर लें। आपने एक जगह करें जो करने, आप डबल डबल काम कर रहे हैं, डबल डबल काम करके तो गड़बड़ हो जानी है भाई। ये आप सवाल जो पूछ रहे हैं ये ब्लंडर होगा अगर ये सवाल पूछेंगे। मुझे आप बताएं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहां पर ये वाला प्रॉफिट है, इसमें तो सारी आपस की ट्रांजेक्शन हुई हुई है। अगर मैं ये 220 यहां कहीं से खींच के लाता जिसमें 3 का इफेक्ट पड़ चुका होता, तो फिर आप मुझे कहते हैं ये यहां कहीं से 220 आप लाए हैं तो इसमें से 3 माइनस ना करें। वो आप मुझे समझ आती बात कि खर्चा बुक नहीं करना, बट यहां मैं इसलिए खर्चा बुक कर रहा हूं कि ये दोनों फिगर सवाल से उठाई है। यहां भी मैं खर्चा बुक करूंगा क्योंकि ये फिगर भी मैंने कहां से उठाई है। अगर सवाल से उठाई है फिगर तो सवाल की सारी फिगर्स क्या होंगी, अनएडजस्टेड। तो प्लीज ये कंफ्यूजन किसी के जहन में ना रहे, कई दिन तक बच्चे आके पूछते रहते हैं। ये डबल रिकॉर्डिंग हमें लग रही है, यहां भी लग रहे खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं, यहां लग रहे प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो हो क्या रहे जानी, हो क्या रहे, ये हो कुछ नहीं रहा। ये भी अनएडजस्टेड फिगर्स है, ये भी क्या है, सॉरी ये भी अनएडजस्टेड फिगर है। तो अनएडजस्टेड फिगर में जो भी एडजस्टमेंट आपने पोस्ट करेंगे, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है पुराना काम है, ये तो हमें करने की आदत है, एसआरई में से एस टू पी करते हैं। और इंशाल्लाह जब इंपेयरमेंट लॉस आया करेगी और एनसीआई फेयर वैल्यू पे होगी तो इंपेयरमेंट लॉस भी मैं यहां डालूंगा, इंशाल्लाह एस टू पी का फिक्स्ड एसेट का गेन लॉस भी यहां पे डालूंगा। वो सारी चीजें जो एसआरई में पड़ी हुई है एक एक करके सारी फिगर्स यहां पे आएंगी, तो उसकी परेशानी लेनी है वर्किंग में, तो वो सारी चीजें आनी है जो एसआरई में आती है। सवाल का फेस तो अलग तरीके से मैं चला रहा हूं, अब सीआरई की जरूरत नहीं, बस एनसीए का करें। 217 इंटू 30 65 पॉइंट, ये किसको दे दें, टोटल कितना है
टोटल कितने? तो इसमें से पेरेंट को 480 1.9 और एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीए. बातें करने की जरूरत नहीं है. नहीं नहीं लास्ट तो कुछ नहीं यार, एक पी टू एस और एस टू पी दोनों के एडजस्टमेंट्स कर लो, सेम चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन ये है कि बस होमवर्क फिर कोई नहीं होगा. क्वेश्चन 25 होमवर्क आपको पता है वो दिया जाता है जिसका सोल्यूशन हो. द पी एंड एल एज इट. अच्छा अब ना बिल्कुल एक एग्जाम लेवल का सवाल आ रहा है, आप लोग अगले 5 मिनट के लिए खामोश हो जाएं तो मेरे ख्याल से फिर 6 मिनट में शायद मैं छुट्टी दे दूं. एक एक चीज़ अभी तक सारी बातें जो की हैं क्लास में उनकी लॉजिक्स के साथ डिस्कस होने लगी है. 835 जमा 645, जिस तरह पेपर में आपने सवाल करना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम सेल. बोले जी 800 600, ये नोट करते जाएंगे, इजी मार्क्स मिलते जाएंगे. अभी साथ साथ नोट नहीं करना, मैं आपको टाइम दूंगा, आप खुद नोट करेंगे बगैर व्हाइट बोर्ड पे देखे. 525 जमा 396, साथ साथ नहीं, 525. अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं वजह चीजों की बताना शुरू करूंगा, वो सुननी है. 115 और 102, 115, 102. PL acquired 80% of shares of SL. ठीक है, ओके. आपस की ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस, पी टू एस, एस टू पी. वर्किंग 5, किसके प्रॉफिट बांटने? सब्सिडरी के. इसमें एसआरई टाइप एडजस्टमेंट्स होंगी या सीआरई टाइप? एसआरई टाइप एडजस्टमेंट्स होंगी. 147. पी टू एस, एस टू पी 60. वर्किंग नंबर इधर एट्रीब्यूटेबल टू वगैरह आना है ना. वर्किंग नंबर 8 पी, हाँ वर्किंग ना भी करें कोई मसला नहीं. सोल्ड 60, अनसोल्ड 20, अनसोल्ड का प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट. तो 20 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25. जहां कोई कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ना कंसोलिडेटेड पी एंड एल का, मैं फौरन आपको रोक के बताऊंगा. 20 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4. नहीं नहीं थोड़ी सी इधर मैं जगह छोड़ू ताकि एंट्रीज जरा समझाने की जगह बने. वर्किंग 9, एस टू पी, सोल्ड 30, अनसोल्ड 5, अनसोल्ड का प्रॉफिट 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20. कोई गड़बड़ नहीं करनी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल. तो सेल को 100 लो, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80. तो चीजें सेल पे पड़ी होती हैं हमेशा. 5 डिवाइडेड बाय 1. बहुत सारे एडजस्टमेंट्स पोस्ट होने लगी हैं. इसने सेल में डाला होगा, इसने परचेज में डाला होगा. डिडक्ट कर दें सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में, -60. एस ने सेल में डाला होगा तो पी ने
परचेज में डाला होगा। डिडक्ट कर दें सेल और कॉस्ट ऑफ सेल माइनस 30। ओके, असल में ना इन फिगर्स का इस वर्किंग फाइव पे कोई असर नहीं जाता, ये इक्वल अमाउंट से कैंसिल होकर फारिग हो जाती है। मसला है सिर्फ इस चार का, ये चार किसने प्रॉफिट बुक की है? प्रॉफिट रिवर्स करना है, प्रॉफिट रिवर्स करना है, प्रॉफिट रिवर्स करने के लिए खर्चे बढ़ा दें प्रॉफिट रिवर्स हो जाएंगे, आप टेंशन, खर्चे बढ़ा दें प्रॉफिट रिवर्स हो जाएंगे, खर्चे बढ़ा दें प्रॉफिट रिवर्स हो जाएंगे। एस ने बेचा है, प्रॉफिट रिवर्स करना है, प्रॉफिट रिवर्स, प्रॉफिट रिवर्स करने के लिए प्रॉफिट रिवर्स करने से बेहतर है कि खर्चे बढ़ा दें, खर्चे बढ़ा दें तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। खर्चा बढ़ाने से जीपी कम हो जाएगा, खर्चा बढ़ाने से जीपी कम हो जाएगा। मैं रेट मार्कर पकड़ने लगा हूं, बच्चा बगल में भी नहीं है, डंडोरा क्लास में। अच्छा, अब आप मुझे बताएं वर्किंग एट और नाइन में से क्या चीज एसआरई को हिट करती, क्या चीज सीआरई को हिट करती। सर हाथ रखे बगैर पूछ लेते, क्या चीज एसआरई को हिट करती, क्या चीज, लेकिन मुझे सीआरई की हिट हुट नहीं चाहिए। सीआरई की बड़ी हिटें पड़ चुकी हुई हैं, मुझे सीआरई की हिट हुट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक हिट चाहिए, एसआरई की हिट वर्किंग फाइव। एस प्रॉफिट को हिट करो, जरा सोचें, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट्स कम होंगे, सिर्फ ये वाला वन इधर आएगा, एस के प्रॉफिट उल्टाएं सिर्फ इधर, ये वाले नहीं, ये वाले एस के, वो बैलेंसिंग में आ जाएंगी सारी चीजें जी। क्या लिखूं इधर? एस टू पी, वही जो एस टू पी, और खत्म हो गया सवाल। इसके लिए आपको रोका था सी आई एन सी आई 146, इसकी कोई यूज नहीं है, फिगर निकालेंगे कोई कहीं यूज नहीं होनी। 146 इंटू 29.2, ये 29.2 हमने किसको देना है? इमरान खान को, एडजस्टमेंट्स करके या एडजस्टमेंट्स किए बगैर? एडजस्टमेंट्स करके, एडजस्टमेंट्स करके। ब्लैक मार्कर मेरी जेब में, चले जी 13 9083655417। भाई को रिक्शा लेने आ गया है 55217 3337। अच्छा जी, ये आ गया हमारा प्रॉफिट, इसको आप क्या करने है? तकसीम करने, तो दोबारा लिख लें 29.2 किसको दे दें? भाई ये बातों का मतलब होता है कि जरा ज्यादा समझ आ रही है, ठहर जाए अभी। पी 307.8 एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीआर। नोट नहीं करना जब तक कि मैं हैंड रिटन पेज नंबर 7 आपको, नहीं 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 अभी नहीं खोलना, हैंड रिटन पेज नंबर 7 सारी बातें मुकम्मल हो गई। हैंड रिटन पेज नंबर 7 सेल ऑफ स्टॉक अभी ना खोलें, सेल ऑफ स्टॉक बाय पी टू एस, तसल्ली से सेल ऑफ स्टॉक बाय पी टू एस। ये फिगर्स मैंने हैंड रिटन पेज में ज्यूम की हुई है, मैच ना कीजिएगा। सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का डिडक्ट 50 फ्रॉम सेल एंड पास जर्नल एंट्री ऑफ दिस 5। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, डू नॉट हिट वर्किंग, डू नॉट हिट वर्किंग, किसका प्रॉफिट उल्टाने? पी का। तो पेरेंट की हम तो वर्किंग कर ही नहीं रहे, ऑटोमेटिकली पेरेंट की चीजें आ जाएंगी। सेल ऑफ स्टॉक बाय एस टू सोल्ड
सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल दें, अनसोल्ड के प्रॉफिट की जनरल एंट्री कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, किसने बेचा, एस के प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, हिट वर्किंग। ये जो आखिर में मैंने एक दो मिनट में काम किया है, मेरा तो ख्याल था शुरू में बस ये काम करा देता, इतनी लॉजिक लॉजिक्स और ये सारी चीज़ें दिमाग में पेपर में कहाँ याद रहती हैं चीज़ें, उसकी सेल में पड़ा हुआ है, उसकी परचेज में पड़ा हुआ है, और यार सब कुछ को फारक करें, ये फिगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दीजिएगा, इसको खर्चे बढ़ा के प्रॉफिट कम कर दीजिएगा, खर्चे बढ़ा के प्रॉफिट कम कर दीजिएगा, और इसको वर्किंग फाइव में ले जाइएगा, एस के प्रॉफिट कम कर दीजिएगा, इसमें से एस के प्रॉफिट कम नहीं करने। बहरहाल ये एडजस्टमेंट सब बार बार आनी है हमारे सवालों में, तो होमवर्क रहने दें, ठीक है, ठीक है, ओवर।